सिंगरौली में धन परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर जयंत पुलिस ने धर्मांतरण करा रहे एक आरोपी को डीएवी स्कूल से गिरफ्तार किया। आरोपी पैसों के दम पर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने का लालच देता था। सिंगरौली पुलिस ने पैसों का लालच देकर गरीबों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। जैन चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सेक्टर बी दूधीचुआ में एक व्यक्ति पैसों का लालच देकर लोगों को हिंदू धर्म से ईसाई धर्म अपनाने का लालच दे रहा है। उसके द्वारा लोगों को बहलाया जा रहा था कि ईसाई धर्म अपनाने पर काफी पैसा मिलेगा, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी जितेंद्र यादव को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि आरोपी बिहार का रहने वाला है और एक सप्ताह पहले ही जीजा के भाई के घर जयंत आया हुआ था। इसमें एक जानकारी लगी थी, एक रामनिवास साकेत के द्वारा पुलिस चौकी जेल में शिकायत की गई कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम रामसुख यादव है, भोजपुर बिहार का रहने वाला है और ये अपने जीजा के यहाँ जो जिसका नाम दिनेश है इसके यहाँ आया था, जो दूधीचुआ में रहता है। इसके बाद लगातार ये लोगों को कुछ लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की बात कह रहा था। इसका ये कहना था कि आप कर लेंगे तो हमारी संस्था है वो आपको करीब 1.5 लाख रुपये देगी, एक मुश्त राशि देगी। इस पर से पुलिस को मामला संज्ञान में आया, पुलिस ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करके मामले को विवेचना में लिया और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।